तो आज हमारी अपनी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में डेटा शेयरिंग मेथड एक इनवाइस सीट पे हम आपके साथ काम कर रहे हैं। मान लीजिए कि जैसे मेरा ट्रेनिंग सेंटर ही मान लीजिए, तो मैं लोगों को इनवाइस से बना के मुझे देना होता है मान लीजिए, तो मैं चाहता हूं कि इनवाइस में मैं एंट्री करूं, मेरा डेटा एक डेटाबेस में स्टोर हो जाए और इनवाइस मेरा प्रिंट हो जाए। मैंने इनवाइस का सैंपल यहाँ पे बनाया हुआ है जो आप देख सकता है, यहाँ पे मेरा कंपनी का डिटेल्स वगैरह इनवाइस है, इनवाइस डिटेल्स है और यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स है और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है। अब हो सकता है इनवाइस में तो एक प्रोडक्ट होता ही नहीं है, हो सकता है एक से ज्यादा प्रोडक्ट हो, तो उसका मुझे यहाँ पे पूरा डिटेल्स जो है सबमिट करवाना है डेटा शीट पे, राइट सर। तो इनवाइस नंबर आपका यहाँ होगा और इनवाइस नंबर मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिक जनरेट हो, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया मैक्स का, कि मैक्स डेटा शीट में जाए और इसमें से लें और प्लस वन जो भी इनवाइस नंबर होगा ऑटोमेटिक जनरेट यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद यहाँ आपके सामने डेट, डेट चाहिए एंड फोर चाहिए, तो यहाँ पे हमने डेट दे दिया, फोर दे दिया। अब उसके बाद मेरे पास यहाँ पे बिल टू, तो कस्टमर का नेम, कंपनी एड्रेस, जीत बगला जो भी है, इसको मैं कॉपी करके सेम यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ एंड पेस्ट स्पेशल और हम इसको ट्रांसपोज करके ओके कर देते हैं, राइट सर। उसके बाद ये तो हमारा हो गया डिस्क्रिप्शंस। तो यहाँ पे अब बात आती है डिस्क्रिप्शंस की, रेट एंड अमाउंट ये भी हम लेके यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ अमाउंट के बाद जो हमारा टैक्स की कैलकुलेशंस है ये भी हम लेते हैं। तो ये टैक्स वगैरह तो बहुत सारे टैक्स है, तो हम यहाँ पे टैक्स रेट अदर ये हटा देते हैं, सब चार आने देते, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेल से क्या दिक्कत होने वाला है। राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज, ये डेटाबेस हमारा हो गया हुआ है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो टैक्स रेट एंड सब टोटल जो दिख रहा है, इसकी जो यहाँ कल ये यहाँ पे कल टैक्स रेट है वो टैक्स रेट सब पे आना चाहिए, सेल टैक्स जो है ये आपका ये फेयर मल्टीप्लाई है, तो मैं यहाँ पे सब टोटल, नहीं ये सब टोटल मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए, टैक्स रेट एंड सेल टैक्स आना चाहिए सब टोटल पे, तो क्योंकि यहाँ पे अमाउंट है ही है, तो सब टोटल की जरूरत नहीं है ना, सब टोटल तो नीचे बिल में आ रहा है ताकि सब दिखे, क्या सर यहाँ बिल में दिखना चाहिए। सर इसमें टैक्स दो तीन तरीके का भी हो सकता है ना, वो हम बात करेंगे, पहले हम सिंपल सीओ पे बना रहे हैं ना, पहले सिंपल से समझ लीजिए। नहीं नहीं आपने टैक्स की बात की इसलिए मैंने बोला, ठीक तो हाँ दो तीन तरह की होगी, तो दो तीन तरह जैसे जीएसटी वगैरह होता है ना, तो उसका अप्लीकेबल हो जाएगा, जीएसटी टाइप, जीएसटी की डेटाबेस बन जाएगा कि कौन सा टाइप पे कितनी जीएसटी जाती है, वो जीएसटी का यहाँ डिटेल डालना पड़ेगा, वो बन जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो मैं यहाँ एक इसकी कैलकुलेशन देख रहा था कि इसकी कैलकुलेशन है आपका सब टोटल मल्टीप्लाई बाई E24 रेट, मतलब कि टोट यहाँ पे सेल टैक्स बड़ा हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ए और कोई अदर चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस, शिपमेंट चार्जेस, कोरियर, अदर चार्ज में आप हटा देता हूँ, अदर चार्ज इस बिल के लिए नहीं है। एंड टोटल और टोटल आपका ये हो जाएगा अमाउंट प्लस, okay.
प्लस आएगा सर, इक्वल टू कर दिया आपने। प्लस आएगा। तो इस पे बेसिकली इसमें जो है इसलिए ऐसा कर रहा हूं क्योंकि हमारे डेटाबेस में तो एक ही एंट्री होगी ना सर प्रोडक्ट की, ये तो सारा फाइनल है ना, इसलिए बोल रहा हूँ ना सर। यहाँ पे टोटल होगा, टैक्स रेट होगा, टैक्स रेट तो सब में सेम ही होगा, ये होगा। अब मैं बताता हूँ कि इनवाइस की वजह से मैं एक नॉर्मल एंट्री में दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक्सेल ट्रेनिंग लिख दिया राइट, बिल मान लीजिए मैंने कर दिया विक्की, कंपनी नेम एबीसी, स्ट्रीट एड्रेस न्यू दिल्ली, सिटी न्यू दिल्ली 11049 एंड फोन नंबर हमने यहाँ पे दे दिया। और उन्होंने दो मान लीजिए कि दो कोर्स इन्होंने परचेज किया है, एक परचेज किया है एक्सेल का जो कि आवर है 25 का, और रेट है हमारा 7500 उसके बाद यहां पे आवर्स के जगह पे क्वांटिटी कर देना सही रहेगा, यहां भी क्वांटिटी है। हो जाएगा। अब इसमें मान लीजिए इन्होंने ए भी कर लिया है, वीवी भी लिया है, ए वीवी 10,000 का है, 10,000 एक्सेस भी लिया है, तो एक्सेस एक ही लिया है और एक्सेस हमारा 6,000 का है। प्लीज म्यूट कर लीजिए, किसी का बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, आप लोग सब खैर सामने का बैठा कीजिए, नहीं तो म्यूट करके रखिए प्लीज। एंड यहाँ पे बी आई है एक और यहाँ पे 6,000 ये भी दे देता हूँ, मान लीजिए चलिए। तो मैंने इतना ही किया और यहाँ पे टोटल इनवॉइस बन गया। ओके टोटल यहाँ पे मैंने टैक्स रेट 18% हमारा दे दिया और ये हमारा एड होके टोटल बन गया। ठीक है, अब मुझे इसकी एंट्री डेटाबेस में करनी है, तो बिल बन गया और मैं इसको इजीली प्रिंट आउट निकाल सकता हूं क्या सर? लेकिन मैं इसको डेटाबेस में कैसे एंट्री करूंगा सर? देख लीजिए, इनवॉइस नंबर 1 ऑलरेडी है यहाँ पे, इसको एक यहाँ पे आएगा डेटा में इनवॉइस नंबर 1, डेट और उठ के आएगा 4, यहां से 4 उठ के जाएगा एक्सेल ट्रेनिंग का। तो मैनुअल कॉपी करने के वजह से क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा क्या क्या करना है। फिर नेम वगैरह जो आपको दिख रहा है नेम कंपनी नेम पूरा उठ के जाएगा यहाँ पे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, मैं इसको ट्रांसपोज कर देता हूँ यहाँ पे उठ के जाएगा। उसके बाद ये यहां से जो कोर्स का ये पार्ट है पूरा ये पार्ट कॉपी हो गए और फिर यहाँ पे पेस्ट होगा, पेस्ट वैल्यू ठीक है। फिर यहाँ पे आपका टैक्स का जो रेट है ये टैक्स का रेट यहाँ पे पूरे पे डलेगा और ए ऑलरेडी रहेगा, नीचे मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन है तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ ये आएगा। उसके अब देखिए इसमें क्या दिक्कत, टैक्स रेट हमने दे दिया ना डेटा में तो एक ही है हमारा। अब देखिए क्या होगा कि ये यहाँ मुझे वापस जो है इस सबको यहां से नीचे की तरफ ड्रैग करना होगा क्योंकि हमारे पास अलग अलग प्रोडक्ट है लेकिन बाकी कस्टमर तो एक ही होगा, इनवॉइस एक ही होगा ना यहाँ पे क्या सर? अब यहां पे आ गया और फिर इसको भी एक ही करना पड़ेगा। अब चलिए इसी एंट्री को हम वीवीए के थ्रू करके देते हैं, तो नॉर्मल एक्सेल के थ्रू क्या होगा, क्या करना है समझ में आ गया?
अभिषेक जी, सुनील जी, समझ में आया आपको? तो पहले प्रॉब्लम को समझना जरूरी होता है। अब मैं इसकी प्रोग्रामिंग पार्ट सर, बताता हूँ। सर सुनील बोल रहा हूँ, एक छोटा सा डाउट है। जब ये हम डाटा इस इनवॉइस पे चेंज कर देंगे तो हमारा डाटा जो जहां पे हमने इक्वेट करके फॉर्मूला लगा के लगाया है, दैट वुड ऑल्सो गेट लॉस्ट, या वो चेंज हो जाएगा? नहीं, चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसलिए तो हम कर रहे हैं, जैसे कि हमने एक का काटा और हमने इसको इनवॉइस में सेंड कर दिया, ये पूरा डेटा यहाँ पे मैनुअली कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए और ये पूरा डेटा ब्लैंक हमारा जो है ब्लैंक हो जाना चाहिए। ओके ये हमारा ब्लैंक हो जाना चाहिए, ये हमारा ब्लैंक हो जाना चाहिए, ये ब्लैंक हो जाना चाहिए। हाँ, तो रेट हमारा रहने देना चाहिए, रेट अगर चेंज करें करें, और ये पूरा ब्लैंक हो जाना चाहिए। जैसे एक फॉर्म आप भरते हैं ना, एक फॉर्म को भरते हैं, जैसे आप ओके जी, क्लिक कर देते हैं, सबमिट क्लिक कर देते हैं, तो आपका डेटा स्टोर हो जाता है और फिर आपके सामने न्यू ब्लैंक आ जाता है। तो सेम थिंग हम यहाँ करना चाहते हैं कि इनवाइसेस को, जैसे एक पर्सन का इनवाइस हमने काट दिया, प्रिंट हो गया, तो उनकी पूरी डिटेल्स मुझे डेटाबेस की तरह यहाँ सेव हो जाना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर में मैं इनका वाइस देख सकता, मैं इनके इनका डिटेल ले सकता हूँ, चाहे अपनी सेल्स वगैरह हर चीज ले सकता हूँ कि मैं कितनी सेल हुई है क्या नहीं हुई। करेक्ट। तो वो अभी आगे आगे आप जो स्टेप्स एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें ऐसा होने वाला है, राइट? हाँ, तो अभी तो ओके मैंने ओके मैनुअल करके दिखाया कि आखिर मैं करना क्यों चाहता हूँ, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम एक पर्सन को कई सारे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है ना सर? तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक इनवाइस, यहाँ पे रिपीटेशन होगी कि एक इनवाइस नंबर उतना बार रिपीट होगा जितना उसका प्रोडक्ट है, समझ गए? और वो डेटा भी रिपीट होगा, जो आपका कस्टमर डिटेल्स है वो कस्टमर डिटेल्स भी आपका रिपीट होगा, क्योंकि अगर आप इसको ब्लैंक कर देंगे, यहाँ पे अगर रिपीट नहीं करते हैं, ब्लैंक रखते हैं, तो एक तो कंफ्यूजन हो जाएगी कि भाई ये किसका सेल्स है, कौन सा सेल्स है, तो डेटाबेस की तरह तो होगा नहीं ना, इसलिए रिपीटेशंस जरूरी है। तो यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो चलिए इसी प्रॉब्लम को दूर करते हैं और हम डेटा की एंट्री करवाते हैं, किसके थ्रू? वीवीए के थ्रू। तो विजुअल बेसिक पे जाते हैं, ये आपका इनवाइस, सर्विस इनवाइस है, इंसर्ट मुडोर, इंसर्ट मुडोर किया, सब्जेक्ट हमने सेंड नाम का या कॉपी नाम का, कॉपी नाम का एक माइक्रो बना रहा। तो सबसे पहला हमें इनवाइस नंबर को, इस इनवाइस नंबर को इसमें सेव करवाना है। तो यहां पे होगा हमारा कि रेंज, सॉरी शीट होगा, शीट कौन सा शीट है हमारा, टू शीट, टू डॉट रेंज, और उसमें हो जाएगा ए 65,000 डॉट एंड एक्सेल अप डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, अब इसमें सर्विस इनवॉइस में ये हमारा है E4, E4 है, तो यहां पे लिखेंगे रेंज E4 डॉट वैल्यू। तो ये इनवाइस नंबर जो टू है, ये टू सीधे चला जाएगा यहां पे वीवी के थ्रू। अब चलिए अपडेट करवाते हैं, तो इसी कोड को हम कॉपी करके यहां पेस्ट करते हैं, और यहां पे 0 हो जाता है, यहां पे 1 हो जाता है, और यहाँ E4 के जगह पे E3 होगा, हमें हिसाब से E3, राइट, डेट है E3। तो जो सिस्टम डेट है, जो डेट है जो वहां पे डला हुआ है, वो डेट आपका यहाँ आ जाएगा, राइट? तो कैसे आएगा कि नीचे 65,000 रो से ऊपर की तरफ जाएगा, ऑफसेट इसको एक कॉलम ऊपर आ जाएगा, तो डेटा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉलन वन किया हुआ, ऊपर वाले में क्या था, रो वन था। और ये मेथड आप लोगों ने कल दे सीख लिया था, क्योंकि मैंने बताया था सिलेक्शन मेथड में, ये मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए। सर, हाँ सर इसमें 65,000 वाली चीज जो है, ये हाँ तो हम 65,000 रुपये क्यों फिक्स कर रखे हैं? इसको हम और इंक्रीज कर तो सकते ये हैं? चीज तो हमने सिलेक्शन की क्लासेस में समझाया था ना आपको सर, एक ही चीज को हर क्लास में समझाऊंगा आपको, भूल गए?
हमने बताया था कि हम अपने हिसाब से ले सकते हो, मैं पैसे बाजार इसलिए लेता हूँ कि ये फाइल डॉट एक्सेलेस और डॉट एक्सेलेस एक्स दोनों पे चल जाए, बट यू कैन डिसाइड कि आप कितना रख सकते हो एज पर योर डेटा। ठीक है राइट ठीक है ये चीजें हमने आपको सारी सिलेक्शन मेथड सिलेक्शन की क्लासेस में समझाया था, उसकी वीडियो भी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था। अब तीसरा आता है फोर में क्या है E5। तो मैं इसको कॉपी किया एंड पेस्ट किया और यहां पे दे दिया टू और यहां पे हो जाएगा E4। तो मतलब क्या हुआ, जो ये जो एक्सेल ट्रेनिंग है ये डेटा उठ के यहां पे आ जाएगा। अब कस्टमर डिटेल्स की बारी आती है ए, मतलब कि B7, 8, 9, 10, 11 तक, और कंटिन्यू इसी कोड को हम कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। तो यहां पर जाएगा B7 और ये 2 की जगह पे हो जाएगा आपका 3। कॉपी हाँ 3, 4, 5, 6, 7 B7, B8, B9, 10 and 11। तो कस्टमर डिटेल्स पूरा का पूरा, ये डिटेल्स आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा उठ के 11 तक है, हाँ B7 से B11 सही। तो इस पूरा का पूरा डेट में इस कोड के माध्यम से यहां से उठ के आ जाएगा। पेस्ट स्पेशल मैं पेस्ट स्पेशल कर रहा हूं, लेकिन वो नॉर्मल एक एक करके करेगा। अब मेन मुद्दा आता है कि अब पूरा जो इनवाइस का जो पूरा मैटर है, एक इनवाइस का पूरा मैटर आपको यहां से उठा के ले जाना होगा। तो मेरा इनवाइस, मुझे पता है कि मेरा इनवाइस स्टार्ट है ए बी से और एंड है हमारा ई, बी से ई तक है हमारा। तो बी 13 से लेना है, जब जितना आप, जरूरी नहीं है कि 16 हो, वो कितना भी हो सकता है, लेकिन वो बी 22 तक ही है हमारा। तो हम पूरा कॉपी नहीं करवा, पूरा कॉपी करवा सकते हैं, लेकिन पूरा कॉपी करवाने में दिक्कत है क्योंकि यहाँ आपको दिख रहा है ब्लैंक है, ए भी आ जाएगा। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आपको जो डेटा है उस डेटा के अंदर में जो आपका अमाउंट या मैनुअल आ रहा है, उस मैनुअल की जगह पे आप मल्टीप्लाई करवा दें, जितना कम हो सके कोड करने में कर लेंगे तो सही रहेगा। और इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, चलिए। तो अब हम क्या करेंगे कि अपने डेटाबेस में जाके पूरा कॉपी करेंगे, कहां से B13 से लेके D22 तक। तो यहां लिखेंगे रेंज B13 से लेके B22.copy, ठीक है सर। तो यहां से 13 से लेके 22 तक डी नहीं होगा, माफ कीजिएगा, हमने इसको रखना था कहां तक, डी तक, हाँ डी डी कॉपी कर लिया। मतलब कि ये पूरा एरिया हम कॉपी कर लेंगे जो हमारा डिस्क्रिप्शन होगा, और फिर डेटा में आके हमें यहां पे पेस्ट करना है। तो ये सिंपल सा हम यहां से उठाते हैं, अब यहां पे वैल्यू नहीं होगा, अब यहां पे 7 के जगह पे 8 होगा, 8 और यहां पे होगा डॉट पेस्ट स्पेशल, होगा पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू। तो ये आपका पेस्ट कर देगा। अब जैसे कि ये उठाएगा यहां से पूरा डेटा को और यहां पे राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देगा। अब बारी आती है कि यहां पूरे को, इस पूरे को हमें ये करना है, नीचे तक ड्रैग करना है, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ पे जो हमारा जीएसटी टैक्स है वो भी डालना है। तो पहले टैक्स डाल लेता हूं, उसके बाद हम
नीचे से ड्रैग बना देंगे। तो यहाँ पे एट नहीं होगा, यहाँ पे होगा आपका जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, तो यहाँ पे 12 होगा। और किसकी डेटा डालना है हमें, हमें डालना है इसकी डेटा, इसकी 18% मतलब कि E24। तो यहां पे हमारा हो जाएगा रेंज E24। उसके बाद अब बारी आती है कि जो हमने जो पेस्ट किया है, जो ब्लैंक जगह है, इसको फिल किया जाए इस तरह से ऐसे। तो इसको फिल करने का कोड क्या होगा, चलिए हम इसके बारे में आपको बता दें। तो सबसे पहले मुझे यहां से यहां और ऊपर तक का सिलेक्शन करना होगा। तो आई है तो अब यहां पे लिखते हैं रेंज सीट्स पे जाते हैं यहां पे। अब सीट्स टू डॉट एक्टिवेट, नहीं सीट टू एक्टिवेट नहीं करना होगा, एक कोड मैं अप्लाई करके देखता हूं। चाहिए बा एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं कि होगा कि नहीं होगा। जैसे कि मैं बोलूं सिलेक्शन एक ट्राई कर लेता हूं, बताता हूं सर। वैल्यू इक्वल टू ए से लेके एच नाइन, यहां पे डालूंगा रेंज ए सेवन से एच नाइन। डॉट वैल्यू उल्टा कर दिया तुम, सर मैं कुछ बोलूं? हो गया हो गया, बोलने की जरूरत नहीं है अब, हो गया सर। मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ अब इसको, मैं चेक कर रहा था कि मल्टीपल टू मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है कि नहीं करता है, ये मैं चेक कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा सी टू डॉट रेंज, और रेंज में मैं यहाँ पे स्टार्टिंग दूंगा यहाँ पे शीट टू डॉट रेंज स्टार्टिंग पोजीशन ए 65,000 डॉट एंड एंड एक्सेलेस अप डॉट ऑफसेट, नहीं यहाँ तो ऑफसेट नहीं होगा, डॉट एक्सलेस अप होगा, से शीट टू डॉट रेंज ए 65,000 डॉट एंड एक्सलेस अप डॉट ऑफसेट 0, और आपकी यहां खाते की वैल्यू गई है 7 तक गई है। आपकी
स्क्रीन हैंग हो गया। आप क्या से प्रॉब्लम है सर? मेरी भी रुक गई है। तो मेरी भी रुक गई है सर। सर आपका टाइम खत्म होने लगा है तो 6 मिनट रह गए हैं, 7 सेशन एंड हो जाएगा। उससे प्रॉब्लम नहीं है, 7 मिनट बाद एंड हो जाएगा सर, जल्दी कर लो। कोई बात नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर लेंगे, चिंता काहे कर रहे हो। अच्छा अच्छा, मतलब कटने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। हाँ हाँ, सर आपकी स्क्रीन अभी रुक गई है, 2 मिनट हो जाएगा। वो बारिश लग रहा है बाहर, बारिश जैसा मौसम बना दिया है, नेटवर्क स्लो हो रहा है। अभी 2 मिनट ठीक करते हैं। मैंने ये लाइन जो है, ये लाइन क्या कर रहा है कि नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, और फिर ये यहां से यहां तक की सिलेक्शन बना रहा है। फिर मैं लिखता हूं कि सीट डॉट रेंज, और यहां लिखता हूं रेंज, यहां पे सीट टू डॉट रेंज, ए नहीं होगा यहाँ पे, आई होगा, आई आई 65,000 डॉट एंड एक्सलेंस अप, ये स्टार्टिंग है डॉट ऑफसेट। अब यहाँ पे मैं 0-1 दूंगा। सर आपकी स्क्रीन में काम नहीं कर रही है क्या? हेलो, अभी दिख रही है सर स्क्रीन? नहीं सर, ब्लैंक है, गायब है सर, ब्लैंक, ब्लैक ब्लैंक है सर। कैंसिल करके दोबारा करो लॉगिन सर, ये सब लग रहा है। नहीं वो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट की प्रॉब्लम लग रही है। बाहर मौसम है, ऊपर लीड लाइन लगाया ना, थोड़ा सा मौसम खराब होने में दिक्कत हो जाती है, अचानक से हवा। तो इंटरनेट लाइन तो सर सबमरीन समुद्र से आती है, बारिश से तो कोई लेना देना ही नहीं है इंटरनेट का। एक मिनट दीजिए, सही करता हूँ मैं, दूसरा वाईफाई। कोई नहीं सर, मैं दूसरा वाईफाई करता हूँ, चिंता मत कीजिए। कोई नहीं सर, कोई नहीं, आराम से कर लो, दूसरा वाईफाई कनेक्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं सर? देख रहे हैं आप ना? तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्या कर दिया आपने? बता रहा हूँ मैं, समझा रहा हूँ, एक मिनट जाइए। टू डॉट रेंज 65,000
डॉट एंड एक्सेलेंस अप ऑफसेट वन कॉलम डॉट वैल्यू देखिए ये पहला लाइन क्या करता है चीज को जानिए ये सिलेक्शन है ये आपका स्टार्टिंग पोजीशन ये आपका स्टार्टिंग पार्ट ये क्या है इट रेंज आई 65000 डॉट एंड एक्सलेस अप 0, -1 मतलब क्या होगा कि सबसे पहले ये आई कॉलम जो दिख रहा है इस आई कॉलम में सबसे नीचे जाएगा मतलब कि आई 65000 पे जाएगा आप अपने हिसाब से देख सकते हो मैं 65000 दे देता हूँ फिर यहां से वो कंट्रोल के साथ अप एरो यूज करेगा अप एरो यूज किया तो यहां पहुंचेगा फिर हमने यहां पे दिया हुआ है -1 तो -1 किए हुए है तो क्या करेगा कि ये यहां आएगा तो इसको लेके दे देगा रेंज को फिर अगला लाइन क्या कहता है यहां से स्टार्ट है और एंड कहां है एक्सेल 65000.1, -0 मतलब कि ये यहां से पैसा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा मतलब कि इसको इसको सेट कर लेगा इसकी वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा इसकी वैल्यू इक्वल टू होगा सीट टू रेंज ये 65000.xup से ऑफसेट 7 मतलब कि यहां से ऊपर और यहां तक की वैल्यू के बराबर होगा पूरी वैल्यू को यहाँ और नीचे की तरफ प्रिंट करके डाल देगा आपको तो ये डेटा ऊपर का डेटा पूरा नीचे आ गया राइट सर और ये हमारे पास जीएसटी जो 18% है ही तो मैं इसको 18% फिक्स ही कर देता हूँ तो यहाँ इस 18% फिक्स करना है हमको यहाँ पे